फ्रेंड्स, मैं सिरसात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आपने पनीर के दीवाने तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज आप मेरी इस रेसिपी में देखेंगे कि कैसे आप इस मिक्स वेज के भी दीवाने हो जाएंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल शाही अंदाज में इस मिक्स वेज की रेसिपी को, जो बनाने में आसान भी है और खाने में लाजवाब। इसमें जो सब्जियां यूज होनी हैं, उसको किस तरह से कुक करना है और कैसे हम इस रेसिपी को बहुत सिंपल बना सकते हैं, वो आप तभी जान पाएंगे जब आप मेरी इस रेसिपी को एंड तक देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं ऐड करूंगी देसी घी। तो यहाँ पे करीब मैं एक टेबलस्पून भर के देसी घी डाल रही हूँ। इसमें ऐड करूंगी मैं कुछ काजू। तो यहाँ मैंने टुकड़ा काजू लिया है, आप होल काजू भी ले सकते हैं या फिर इस तरह का पीस वाला काजू भी आप ले सकते हैं। काजू की जगह आप मगज के या तरबूज के बीज भी ले सकते हैं, तो इससे थोड़ी एक रिचनेस आती है ग्रेवी में। तो काजू को बहुत ज्यादा हमें गोल्डन बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, बस उसका कच्चापन निकल जाए इतना ही हमें उसको भूनना है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो टमाटरों को मैंने रफली चॉप कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 टमाटर लिए हैं और मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च और 2 कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ कुछ अदरक के टुकड़े, तो रफली चॉप करे हुए हैं मैंने अदरक के टुकड़े, और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने देसी और हाइब्रिड दोनों ही टमाटर डाले हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा ग्रेवी खट्टी भी ना हो और उसमें एक टैंगी फ्लेवर भी आए। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और इसको अब हम कुक करेंगे जब तक कि हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से टेंडर ना हो जाएं, यानी कि हमारे टमाटर अच्छे से कुक ना हो जाएं। इसको मैं कवर करके कुक होने दूंगी। तो जब तक हमारे टमाटर ब्लांच हो रहे हैं, यहाँ मैंने पानी बॉईल किया है और मैं इसमें जो गोभी है उसको ब्लांच करूंगी। तो उबलते पानी में मैं यहाँ पे गोभी के फूल, जिनको मैंने छोटे साइज में चॉप कर लिया है, वो मैंने इसमें ऐड करे हैं, क्योंकि अक्सर गोभियों में जो कीड़े होते हैं हम कितना भी उसको साफ कर लें, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी हल्दी डाल के इसको अच्छे से ब्लांच कर लूंगी। इससे होगा क्या, थोड़ा सा ये कुक भी हो जाएंगी और आगे हमें फर्दर गोभी को पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको मैं 5 मिनट के लिए इसी तरह हाई फ्लेम पे कुक होने दूंगी। यहाँ पे टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए। तो इस टाइम पे हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, जिससे कि ये जल्दी ठंडी हो सके। आप इसको इसमें भी छोड़ सकते हैं, तो इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे क्योंकि हमें इसकी प्यूरी करनी है। तो अगर आप हैंड ग्राइंडर से, तो गर्म में भी आप प्यूरी कर सकते हैं अगर आपका स्टील की बॉडी है हैंड ग्राइंडर की, बट मैं इसको मिक्सर में प्यूरी करूंगी, तो इसका कम्प्लीटली ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह बाउल में इस टमाटर को निकाल दिया है, जिससे कि ये जल्दी से ठंडे हो सके। तो ये हमारी ब्लांच हो गई है गोभी। इस टाइम पे मैं फ्लावरेट्स को स्ट्रेन कर लूंगी। इस तरह से मैं सभी गोभी के फूल को निकाल लूंगी। अब यहाँ इसी पैन में हमें और सब्जियां भी कुक करनी है, तो यहाँ पे मैं अगेन 1 चम्मच घी या तेल, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपनी सब्जियां। तो आप जो सब्जियां इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, पर जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं वो है गाजर, बीन्स, गोभी, मटर, स्वीट कॉर्न। सो ये गाजर डाली मैंने और ये इसमें मैंने बीन्स डाले हैं। थोड़ा सा नमक डाल के, जिससे कि नमक से क्या होगा, मॉइस्चर ऊज आउट होगा सब्जियों में से, जिससे और वो जल्दी पक सके, जल्दी कुक होंगी वो। तो इनको हमें कुक करना है, बट अगेन मेक श्योर कि बहुत ज्यादा ओवर कुक ना हो जाएं ये सब्जियां। तो मैं इसको कवर करके जब तक ये हाफ कुक होंगी, इनको 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने दूंगी, और बीच बीच में 2 मिनट में 3 मिनट में इसको चेक करना बहुत जरूरी है। हमारी सब्जियां आधी कुक हो गई हैं। इस टाइम पे मैं इसमें गोभी के
क्लारेट्स भी ऐड कर दूंगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या सब्जियां यूज कर रहे हैं और कितना टाइम उन्हें कुक होने में लगेगा, तो आपको उस हिसाब से अपनी सब्जियों को कुक करना पड़ेगा। अगर आप सभी सब्जियों को एक साथ डाल देंगे तो जो कम टाइम लेंगी कुक होने में वो तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगी, और जो ज़्यादा टाइम लेंगी वो कुक रहेंगी। तो आपको इस सब्जी में स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जो सब्जियां हैं वो अपनी शेप बिल्कुल भी खोए नहीं, अपनी शेप मेंटेन रखें, लेकिन तब भी वो कच्ची भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम बस अब 2 मिनट और पकाएंगे और फिर उसके बाद हमारी सब्जियां हो जाएंगी। तो हमारी सब्जियां कुक हो गई हैं, इनको हम साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए हैं, इस टाइम पे मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसकी एक फाइन प्यूरी बना लूंगी। तो ये हमारी प्यूरी बनके बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी प्यूरी बनी है। बस अब हमारे डिश का बिल्कुल लास्ट स्टेप है। यहाँ मेरी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून जितना घी, और इसमें मैं अब डालूंगी कुछ खड़े मसाले। मैंने ये तेजपत्ता का पत्ता, 1 लाल मिर्च साबुत, दालचीनी, बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च साबुत, और 2 छोटी इलायची। इन सभी चीज़ों को डाल के हम इसको हम हल्का सा, बहुत ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करना है वरना ये हमारे खड़े मसाले जल जाएंगे। बस आधे मिनट के लिए इनको कुक करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी सब्जी में। 1 चम्मच में डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, और जैसा कि मैंने यहाँ पे साबुत जीरे का यूज़ नहीं किया है तो मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इस टाइम पे हम अपने मसालों को भून लेंगे जिससे कि उनका कच्चापन निकल जाए, और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा, जस्ट कि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी जो टोमेटो प्यूरी हमने बनाई थी उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, जस्ट डिपेंडिंग कि आपने कितना सॉल्ट सब्जियों में और टमाटर के कुक होने में डाला था। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी ये कुक्ड वेजिटेबल्स। तो फ्रेंड्स, जो भी आपकी फेवरेट सब्जियाँ हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास आज जो अवेलेबल थी और जो मुझे पसंद है मैंने वो इसमें डाली है। इसको थोड़ी रिचनेस देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे फ्रेश मलाई, जो दूध की मलाई होती है मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे आपको इसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है वो आप चेक कर सकते हैं। आप इसको अगर थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं इस तरह की सब्जी को, तो इसको इसका पानी कुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें थोड़ा सा दूध या पानी डाल के इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, यही बेनिफिट है घर पर बनाए खाने का। जैसा पसंद है आप उसको उस तरह से कस्टमाइज या मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए कुक करेंगे जिससे कि जो मसाले हैं, जो ग्रेवी है, वो सब्जियों में अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इसको आप जितना रिच चाहें उतना रिच बना सकते हैं सारी मलाई क्रीम ऐड करके। और इस सब्जी की सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसमें जो सारी सब्जियां हैं वो वैसे खाने में तो बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं, लेकिन इस तरह से जब आप उसको उनको सब्जी बना के खिलाएंगे तो वो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो धनिया कसूरी मेथी डाल के आप अगर इसमें केवड़ा एसेंस भी डालेंगे तो वो भी बहुत ही लजीज लगता है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो है जायफल। तो यहाँ पे मैं हल्का सा, जब आपकी सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाए तब मैं इसमें डालूंगी जायफल। तो जायफल को बस बिल्कुल एंड में हल्का सा ग्रेट कर ले। जायफल यानी कि नटमेग, बहुत ही अच्छा एक फ्रेश अरोमा सा आता है इसमें, बहुत हल्का सा बस ग्रेट करना है। डालते ही बस उसकी खुशबू ने 4 चांद लगा दिए। तो बस
इस सब्जी को आप इंजॉय करें गर्मा गर्म फुलकों के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ। फ्रेंड्स, आपने मिक्स वेज तो बहुत तरीके की खाई होंगी, लेकिन इस तरह की एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। क्योंकि अक्सर आपने देखा है जो मिक्स वेज होती है वो बहुत ड्राई होती है, उसके साथ हमें एक कोई ग्रेवी वाली सब्जी भी बनानी होती है, लेकिन ये बिल्कुल वन टाइप सब्जी को ही आप कंप्लीट मील आप इससे खा सकते हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे चपाती या पराठे। फ्रेंड्स, आई होप आज की आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी टेस्टी, हेल्दी एंड इजी टू मेक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।